अरे अरमान, तुम्हारा लंच तो बड़ा ही लजीज लग रहा है, कहाँ से मंगवाया? सिर्फ लग नहीं रहा, लजीज है भी। और पता है क्या बरिशा, ये मैंने मंगवाया नहीं बल्कि खुद बनाया है। अरे वाह अरमान, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बनाना जानते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं जानता। मैंने तो बस YouTube पर कुछ कुकिंग वीडियोस देखी और उसमें जैसा कहा गया वैसा करता गया। अब लगता है कि खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। सच में यही तो कमाल है इंटरनेट का, हम खाना बनाने से लेकर गाड़ी का टायर बदलने तक जब चाहे जहां चाहे कितना कुछ सीख सकते हैं। और सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, इंटरनेट के जरिए आप अपने टैलेंट से अपना बिजनेस तक शुरू कर सकते हैं। अब मेरी पड़ोस वाली शालिनी आंटी को ही देख लो, उन्होंने कोविड लॉकडाउन में अपनी कुकिंग वीडियोस यूट्यूब पर डाली और उससे टिफिन सेंटर स्टार्ट कर लिया। आज वो इंटरनेट के जरिए अपना बिजनेस चला रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंटरनेट के बारे में काफी चर्चा की, हमने इंटरनेट पे मौजूद खतरों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में तो काफी बात कर ली। अब वक्त है इंटरनेट के एक बेहतरीन पहलू को जानने का। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंटरनेट आपका गुरु, आपका दोस्त और आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है। आप लोगों में से काफी लोग ये जानते होंगे कि इंटरनेट पर ढेरों वेबसाइट्स हैं जो कि आपके स्कूल की पढ़ाई में भी आपकी मदद कर सकती हैं। आप जिस भी विषय को बेहतर समझना चाहते हैं उसे ढूंढें और हो गया काम। और स्कूल की पढ़ाई के अलावा और कितनी चीजें हैं जो आप इंटरनेट पर सीख सकते हैं, जैसे एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो बनाना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, डांस करना या फिर कोडिंग करना। और आप इंटरनेट से अपने हुनर को दुनिया तक भी पहुंचा सकते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट बेहद पसंद है, तो मैं क्रिकेट से जुड़े अपने विचार और मैच के बाद खेल पर अपनी टिप्पणी अक्सर अपने ब्लॉग पर लिखती रहती हूँ। और जिन भी लोगों को क्रिकेट में दिलचस्पी है वो इसे पढ़ते हैं और शेयर भी करते हैं। अरे हाँ, मैं भी तुम्हारा ब्लॉग पढ़ता हूँ, हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे अक्सर शेयर होता है तुम्हारा ब्लॉग। इंटरनेट एक जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर हम जो चाहे सीख और जान सकते हैं, जो हमें काम आता है उसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इस छड़ी से आप केवल अपने ही नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस में रहने वाले, अपने शहर, यहाँ तक कि अपने देश और दुनिया भर के लोगों की मदद भी कर सकते हैं। क्या आपने सोफिया अशरफ का नाम सुना है? सोफिया एक कलाकार है जिनका एक गीत कोडई कनाल वोंड काफी मशहूर हुआ, पर ये कोई आम गीत नहीं है। अपने इस गीत के द्वारा सोफिया ने तमिलनाडु में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण और उसके कारण लोगों पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में बताया है। सोफिया के इस गीत ने हजारों लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया और प्रदूषण से प्रभावित लोगों के लिए इंसाफ की गुहार भी लगाई। सोफिया की तरह आप भी समाज में बदलाव लाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन पिटिशंस, ईमेल कैंपेन्स, पोस्टर्स या फिर लेख जैसे साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो उदाहरण हुआ बदलाव के लिए अभियान चलाने का। इसी तरह इंटरनेट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है यंग इंडिया फाउंडेशन नामक एक संस्था जिसने लॉकडाउन के वक्त जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके क्षेत्र में किए जा रहे काम की सूचना लोगों तक पहुंचाई थी। जरूरी सूचना के प्रसार के साथ आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट कर सकते हैं। शायद आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर के वक्त हम सभी कैसे घबराए हुए थे और परेशानियों का सामना कर रहे थे। अरे हाँ, मुझे याद आया, जब मेरे दोस्तों के परिवारों के बुजुर्ग सदस्यों को ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरत पड़ी थी, तब न जाने कितने ही अनजान लोगों ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हमारी मदद की थी। सोचो, अगर इंटरनेट नहीं होता तो वो कैसे किसी अनजान इंसान से जो कि उनके शहर में भी नहीं रहते उनसे मदद ले पाते। ये सब सुनकर तो मुझे सही में लगता है कि इंटरनेट कितनी कमाल की चीज है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे जीवन को कितना आसान बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो बात सिर्फ इतनी है कि इंटरनेट आपका जीवन आसान बनाता है या फिर आपकी मुश्किलें बढ़ाता है, ये निर्भर करता है आप पर। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपसे इंटरनेट के बारे में बहुत सी बातें कर ली, पर जाते जाते एक बहुत जरूरी बात है जो हम आपसे करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन इंटरनेट के बिना कैसा होगा? मुझे तो सोच कर भी डर लगता है, मुझे तो पढ़ने के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट के बिना हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो शायद तुम्हें ये सुनकर भी आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जहाँ बहुत लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ऐसे इलाकों में इंटरनेट 4 में से सिर्फ 1 इंसान के पास है, जबकि शहरों में लगभग हर इंसान के पास इंटरनेट कनेक्शन है। यही नहीं,
क्या आपने कभी अपने आसपास ये देखा है कि पुरुषों और भाइयों के पास महिलाओं और अपनी बहनों से बेहतर फोन होते हैं? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। सच, लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पास फोन और इंटरनेट है। अब से मैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल नई चीजें सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ही करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आपके साथ ये सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आप हमारी सारी बातें याद रखेंगे और इंटरनेट का इस्तेमाल सही और सकारात्मक तरीके से करेंगे। आपके साथ इंटरनेट के बारे में बात करके हमें तो बहुत ही मजा आया। अब आपके डिजी बडीज आपसे विदा लेते हैं। हमें यकीन है कि आप सभी अब से इंटरनेट पे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और उसके सही इस्तेमाल से डिजिटल चैंपियंस बनकर दिखाएंगे और अपने आप को और समाज को प्रगति की ओर लेकर जाएंगे।